नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं डिजिटल मार्केटिंग की इस वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर आपको अपनी वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक, जो यूनिवर्सल एनालिटिक है, साथ में ही जो गूगल एनालिटिक का नया पार्ट है GA4, उसको अगर आपको इंस्टॉल करना है तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से गूगल टैग मैनेजर के साथ आप इंस्टॉल कर सकते हैं यूनिवर्सल एनालिटिक को, जो पुराना पार्ट है गूगल एनालिटिक का, और जो नया वर्जन है GA4, उन दोनों को आपको एक साथ किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में गूगल टैग मैनेजर के साथ दिखाऊंगा किस तरह आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लॉग इन करना है गूगल एनालिटिक में। तो ये आप analytics.google.com के थ्रू कर सकते हैं, और आपके पास एक जीमेल की आईडी होनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट मेजरिंग पे क्लिक करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट नेम डिमेंशन करना होता है, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब हम यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी सेटअप में है, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टी सेटअप में है, ये यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स 4 प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आपको शो एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे इसको यहाँ से ऑन कर देना है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यूनिवर्सल एनालिटिक प्रॉपर्टी है ये उसके लिए है। तो इस बटन को आप यहाँ से ऑन करेंगे, उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो यहाँ पे मेंशन करना है, और यहाँ से आपको जो ये फर्स्ट ऑप्शन है इसी को यहाँ से चेक रहने देना है। इसका मतलब क्या है कि आप दोनों प्रॉपर्टीज को क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप गूगल एनालिटिक्स 4 को भी और जो यूनिवर्सल एनालिटिक प्रॉपर्टी है तो आप दोनों को क्रिएट करना चाहते हैं। सो दोस्तों, दोनों थोड़ा डिफरेंट है एक दूसरे से, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों को ही अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करें। सेकेंड ऑप्शन है कि अगर कुछ लोग नहीं चाहते GA4 को इंस्टॉल करना तो डायरेक्टली आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी का एक नेम देना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको टाइम जोन सिलेक्ट करना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे करेंसी को सिलेक्ट करना है। दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपकी इंडस्ट्री कैटेगरी है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, आपका जो भी बिजनेस साइज है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो साथ में यहाँ पे आपके पास है कि मतलब जो भी आप मेजर करना चाहते हैं गूगल एनालिटिक पे, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। तो जो भी आपको लगता है कि आप जिस तरह की रिपोर्टिंग आप चाहते हैं या आपको मेजर करना है, वो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो सबको सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपको उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है जो टर्म एंड कंडीशन है, और बाद में आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों, गूगल एनालिटिक्स 4 को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास मेजरमेंट आईडी होनी चाहिए, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब हमें गूगल टैग मैनेजर ओपन करना है और इसको अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करना है। दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट है, और अभी आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे आपको टैग असिस्टेंट में दिखाऊं तो अभी सिर्फ हमारा गूगल टैग मैनेजर यहाँ पे इंस्टॉल है। एक वेबसाइट पे आप गूगल टैग मैनेजर कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके डिफरेंट प्लगइन हो सकते हैं। अगर आप शॉपिफाई पे यूज कर रहे हैं तो उसका एक डिफरेंट वे है, तो मैं इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं करूंगा। तो मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि आपने अपनी वेबसाइट पे सक्सेसफुली गूगल टैग मैनेजर को इंस्टॉल कर लिया है, जो आप गूगल टैग मैनेजर में जो यहाँ पे हमारी एक्सटेंशन है क्रोम ब्राउजर में, उसमें आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारा कोई भी और टैग इंस्टॉल नहीं है। उसके बाद आपको गूगल टैग मैनेजर ओपन करना है, और आपको यहाँ पे टैग पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हम पहले सिलेक्ट करेंगे कि हमें यहाँ पे GA4 को कॉन्फिगर करना है। तो मैंने आपको बताया था कि हमें मेजरमेंट आईडी की जरूरत होती है, तो यहाँ पे हम उसको पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे आप ट्रिगरिंग में यहाँ पे ऑल पेजेस मेंशन करेंगे और सेव कर देंगे। और यहाँ पे अगर आप जो भी आपके टैग का नेम है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है और सेव करना होता है। तो देख सकते हैं अभी हमारा जो गूगल एनालिटिक्स GA4 का टैग यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। अब हमें इंस्टॉल करना है यूनिवर्सल एनालिटिक को। दोस्तों, यूनिवर्सल एनालिटिक को यहाँ पे हमें इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास ट्रैकिंग आईडी होनी चाहिए, तो वो उसके लिए अगर आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, और यहाँ से जो आप देख सकते हैं एक तो हमारा GA4 प्रॉपर्टी है, दूसरा हमारा UA प्रॉपर्टी है, तो आपको UA प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं आईडी हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन अगर हमें आईडी चाहिए तो हम यहाँ पे ट्रैकिंग इन्फो में जाएंगे, हमें ट्रैकिंग कोड में जाना है, और देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी है, उसको आपको यहाँ से कॉपी करना है। उसके बाद आपको फिर से अपने गूगल टैग मैनेजर में जाना है। दोस्तों, अपनी ट्रैकिंग आईडी को ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे वेरिएबल्स पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स सेटिंग्स को सिलेक्ट करना है।
आपने जो ट्रैकिंग आईडी वहां पे कॉपी की थी उसको यहाँ पे पेस्ट करना है और आपको सेव करना है। तो इसको आप यहाँ से एक मीनिंगफुल नेम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स यूए यहाँ पे मेंशन करता हूँ और सेव कर लेते हैं। तो कई बार क्या होता है, आपको मल्टीपल गूगल एनालिटिक आईडी आप इंस्टॉल करते हैं तो इसी जगह से आप उसको वन या पर्टिकुलर आप इसका जो भी ट्रैकिंग आईडी है उसको भी एक नेम दे सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से टैग वाले सेक्शन पे जाना है, आपको न्यू पे क्लिक करना है। आपको नया टैग क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है फर्स्ट ऑप्शन को। तो यहाँ पे हम पेज व्यू जो आप देख सकते हैं जो हमारा ट्रैक टाइप है उसको यहाँ से आपको पेज व्यू ही रहने देना है। लेकिन जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और जो आप देख सकते हैं गूगल एनालिटिक्स यूए जो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया था आपको उसको सिलेक्ट करना है। आपको ट्रिगरिंग में फिर से ऑल पेजेस देना है और यहाँ पे हमें इसको एक मीनिंगफुल नेम देना होता है। अगर आप सेव करते हैं तो डायरेक्टली आपके पास ऑप्शन आ जाता है। तो ये हमारा गूगल एनालिटिक्स जो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी वो है, उसके बाद आपको यहाँ से इसको सेव कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो दोनों टैग हैं वो यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ शो हो रहे हैं। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है और पब्लिश कर देना है और कंटिन्यू करना है। तो इसको आप दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं। तो अगर हमारे जो टैग हैं वो ठीक से वर्क कर रहे हैं तो हम एक बार प्रीव्यू करके चेक करेंगे और एक बार हम वेबसाइट पे जो गूगल टैग असिस्टेंट है तो हम उसी से भी चेक करेंगे कि क्या हमारे वहां पे टैग फायर हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करना है और कनेक्ट पे क्लिक करना है। तो अभी हमारी वेबसाइट जो है वो जो डिबग मोड से कनेक्ट हो गई है। तो हम चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारे दोनों टैग हैं वो सक्सेसफुली फायर हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं गूगल एनालिटिक्स 4 और गूगल एनालिटिक्स जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी वो दोनों यहाँ पे एक टाइम फायर हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारे जो टैग हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। साथ में अगर आप जो हमारा गूगल टैग असिस्टेंट है उस पर भी चेक कर सकते हैं। अगर आप गूगल टैग असिस्टेंट पे चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो गूगल एनालिटिक्स टैग है वो सक्सेसफुली यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर दिया है। तो जो भी अब डेटा होगा हमारी वेबसाइट पे विजिटर्स का वो सक्सेसफुली क्या होगा, जो हमने गूगल एनालिटिक्स 4 और यूनिवर्सल एनालिटिक्स हमने क्रिएट किया है उस पे रिकॉर्ड होगा। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया किस तरीके से आप GA4 और गूगल एनालिटिक्स जो यूनिवर्सल एनालिटिक है उसको आप किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।